सीडीओ में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से वर्डप्रेस में मेन्यू को क्रिएट कर सकते हैं, यानी नेविगेशन मेन्यू जो आपके टॉप पर या साइड बार में या फुटर में होते हैं। सो वर्डप्रेस साइट में लॉगिन करें और यहाँ से अपीयरेंस की, यहाँ से आप फ्रंट एंड पे देख सकते हैं ये हमारा मेन मेन्यू है और यहाँ इसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं। तो अपीयरेंस में जाएं और यहाँ से आप मेन्यूज पर क्लिक कीजिए, यहाँ से आप न्यू मेन्यूज क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है ये हमारे पास एक मेन्यू है, लेकिन हम न्यू मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं और इसको एडिट भी कर सकते हैं, यानी इसमें फिर हम एडिशनल लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। इसको मेन का नाम देकर सेव कीजिए, क्रिएट मेन्यू। अब यहाँ से अगर आप पेजेस को जो नेक्स्ट टाइम जो पेजेस क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेक कर दीजिए इस बॉक्स को, और यहाँ मज़ीद जो आपके पास कुछ ऑप्शन हैं आप यहाँ इनको डिलीट कर सकते हैं, और लोकेशन जो है यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं कौन सी लोकेशन में ये मेन्यू डिस्प्ले होना चाहिए। यहाँ से आप मैनेज लोकेशन में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मेन्यूज हैं, हेडर मेन्यू, सब हेडर मेन्यू एंड फुटर मेन्यू। जो भी लोकेशन आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं वहाँ जाएँ और फ्रंट एंड पे जाकर लोड करें। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा मेन्यू अपीयर नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमें मेन्यूज में कुछ आइटम्स ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ से आप जो भी आइटम्स ऐड करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कीजिए, जैसे यहाँ पे आल है तो मैं दोनों ऐड कर रहा हूँ, ऐड टू मेन्यू कीजिए। अब यहाँ से हमारे पास ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ इसको दोबारा अगर आप जाके रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो यहाँ से आप देखते हैं हमारे पास मेन्यू या लिंक्स जो है ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप कस्टम लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपके सोशल प्रोफाइल के लिंक, ट्विटर के, फेसबुक के, या कोई और एडिशनल लिंक आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। जैसे उसका URL टाइप कीजिए और नीचे जो भी आपको टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए जो आपके मेन्यू में, वो यहाँ पे टाइप कीजिए। और इसके बाद ऐड टू मेन्यू कीजिए, यहाँ पे हमारे मेन्यू ऐड हो चुका है। अब इसको अपडेट कर दें और रिफ्रेश करें पेज को जाके दोबारा फ्रेंड लाइन को, यहाँ से हमारा तीसरा लिंक यानी ट्विटर का लिंक भी ऐड हो चुका है। इसी तरह हमारे पास कैटेगरीज हैं, तो अगर आप कैटेगरीज ऐड करना चाहें मेन मेन्यू में तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, एक दो या जितनी भी आपकी तमाम कैटेगरी जितनी आप ऐड करना चाहें वो यहाँ पे एडिशनली ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपको अपडेट मेन्यू करना पड़ेगा और आप रिफ्रेश करने से देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो भी आइटम है वो हमारे मेन्यू में ऐड हो चुके हैं, यानी HTML और WordPress की कैटेगरी भी यहाँ डिस्प्ले हो रही है। इसके अलावा हमारे पास मजीद कुछ मेन्यूज की लोकेशन है, जैसे आप देख सकते हैं तीन मेन्यू हम ऐड कर सकते हैं इस WordPress थीम में। यह हर थीम के लिहाज से मुख्तलिफ मेन्यूज होते हैं, तो यहाँ से फुटर मेन्यू क्रिएट करें, क्रिएट अ न्यू मेन्यू, फुटर को नेम दें जैसे कि ये फुटर मेन्यू, यानी इससे आपको आसानी होगी समझने में कि कौन सा मेन्यू है। अब यहाँ पे आप जो भी लिंक ऐड करना चाहें तो यहाँ पे ऐड करते हैं, जैसे कि अबाउट अस, ऐड टू मेन्यू, और मजीद अगर कस्टम लिंक ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से URL टाइप कीजिए, जैसे कि मैं फेसबुक का लिंक ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे facebook.com/learnpostearn, और फिर यहाँ आप उसको टाइटल दे दें, जो भी लिंक टेक्स्ट है वो डिस्प्ले जो होना चाहिए वो यहाँ पे टाइप कीजिए और ऐड टू मेन्यू कर दीजिए। अब इस मेन्यू को अपडेट मेन्यू कीजिए और फ्रंट एंड पे जाएं और पेज को रिलोड कीजिए यहाँ से। लेकिन हमें मैनेज लोकेशन में जाकर ये भी ऐड करना होगा कि मेन्यू की जगह अपीयर होना चाहिए, तो यहाँ से आप मेन्यू सेलेक्ट कर लें फुटर मेन्यू में हमारे पास फुटर को, और सेव चेंजेस करके जब आप रिफ्रेश करेंगे तो फुटर में आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास हमारा मेन्यू डिस्प्ले हो रहा है। सो इस तरह आप मेन्यूज वर्डप्रेस में क्रिएट कर सकते हैं बआसानी।